अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास टिक हो ताकि आप महफूज हो। 10 रुपये लेता है ये बच्चे, तो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट है। ये टॉप तक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, ये छोटा नहीं है। ये बेसिकली ये रहता है अगस्त तक, तो इस सफ़र कमाया हुआ है। ये बच्चा अभी आ रहा है, देखते हैं ये क्या करते हैं। सयाहों की तफरी के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प उन्होंने स्की स्लोप बनाया है ग्लेशियर से। अच्छा, ये एक फैमिली आई हुई है, इनसे बात करते हैं कहाँ से आई है, इनको ग्लेशियर कैसा लगा, ये इलाका कैसा लगा। मेरे साथ रहे सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये कराची से आए हम लोग और यहाँ पर सवात की साइड पर घूमने आए थे, और फिर हम यहाँ पे कलाम से हम लोग आ गए हैं ग्लेशियर की तरफ। कराची की गर्मी से परेशान आ गए थे ये लोग, तो इनको घुमाने के लिए, इनकी तफरी के लिए आप बताएं कुछ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम देना चाहेंगे सैयाहों को, और कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, फ्रेश हो गए हम लोग अपने रूटीन से हट के। वाकई में कराची गर्मी का मौसम और रमजान का रूटीन जो आने वाला है, उससे तो हमें बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा माहौल यहाँ पे मिल गया। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? बहुत मजा आ रहा है हमें, हमारे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखें, और ये क्या हो रहा है? स्नोमैन का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बहन आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है। आगे मजीद हमें बर्फ देखनी थी, तो हम इस ग्लेशियर पे रुक गए। ठीक है, और हम शायद अभी और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? तीनों खवातीन को यहाँ पर आनी चाहिए कि नहीं? जी जी, बिल्कुल आना चाहिए, फैमिली के साथ अपने किचन को छोड़ के यहाँ निकल के आए जरा। ठीक है, मेरा भाई क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे सर? जो कुछ इन सब ने कहा वो सब कुछ सही कहा। सही कहा, चलो अल्लाह आपके सफर को खैरत से गुजारे। मेरी दुआ है कि आप इंजॉय करें और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। जी बेटा आ जाए अब। माधु देखो बाबा के हाथ में आइसो। गुड, Thank you.
अपने में भी थोड़ा सा मुश्किल है, एहतियात से पाँव रखनी चाहिए आपको ताकि फिसल लेना। बर्फ पे अगर आप आते हैं तो ये बर्फ, और ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसी रास्ते से चढ़ते हैं, फिर बर्फ पर आगे जाके जो है ना वो गिर जाते, स्लाइडिंग करते हैं और ये चीज़ें करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रहे। ये अगर आप देखें बहुत ज़्यादा, ये आइसक्रीम कार है, नेचुरल आइसक्रीम, ये बर्फ, यहाँ जो नेचुरल बर्फ है ये कार है। ये अगर देखते ये रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया है, कलरफुल आइसक्रीम बन गया है, खाओ नेचुरल, इससे गला ख़राब नहीं होगा और इससे कुछ भी नहीं होता, कुदरती है। ब्लू स्काई और ग्लेशियर, वाइट माउंटेन, और यहाँ पर दियार के दरख्त, माहौल जो है ना बिल्कुल बेहतरीन। और यहाँ अगर आप देखें तो ढेर सारे जीप्स और सैयाह आए हुए हैं यहाँ पर, चाय पकौड़े और जो जो चीज़ें मतलब यहाँ पर है वो यहाँ पर दस्तियाब है, काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पर, और नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल सारा सब कुछ है। कैसे भाभी आप क्या कहेंगे, मेरी बहन क्या पैगाम देना चाहेगी दीगर पाकिस्तानियों को? यही पैगाम देंगे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ेदार जगह है, आप लोग ज़रूर आएँ। और ख़ास तौर पे मरी वालों का जो एटीट्यूड था उससे बहुत बेहतर है यहाँ के लोगों का एटीट्यूड, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, इनका अखलाक बहुत अच्छा है। थैंक यू, धोखा बेईमानी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। बाकी ये कि गवर्नमेंट की तरफ से रास्ते थोड़े अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। बेटा आप क्या कहेंगे, क्योंकि ग्लेशियर में आप मौजूद हैं तो आप कोई पैगाम दे दे बेटा। पैगाम तो बस मनाने आए, हम स्नोमैन मनाया हमने। अच्छा, आप ऊपर जाएंगे आपको दिखेगा। अच्छा, सड़क थोड़ी सी, गाजर साथ लेके आए। अच्छा, गाजर भी साथ लेके आए। अच्छा, ग्लव्स भी आप लोग लेके आए। बेटा आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे बेटा? अब बात अच्छा है, चलो बेस्ट ऑफ लक बेटा, आपका ये सफर खैर से गुजरे। बर्फ अभी भी मौजूद है और ग्लेशियर काफ़ी मतलब बड़ा ग्लेशियर है। इन दिनों चूँकि मार्च का, अप्रैल का महीना है, सारी अप्रैल के महीने में यहाँ पर बर्फ़ का होना लाजिमी है, लेकिन इस साल बनिस्बत दिगर सालों के बर्फ़ काफ़ी कम है। चूँकि यहाँ 15 नवंबर को 2020 को जो बर्फ़बारी हुई थी वही हैवी स्नोफॉल था, बाकी यहाँ पर जो बर्फ़बारी हुई है वो कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। अप्रैल के महीने मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि क्या सूरत हाल है। ये ग्लेशियर बिल्कुल टॉप, अगर आप देखें
तो काफ़ी सही है, वहाँ पहुँचे हुए फैमिलीज है और बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन कैमरे के आँख से आप इतने नज़दीक से नहीं देख सको कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ, मेरे साथ रहे। गोला गंडा बना हुआ, नेचुरल गोला गंडा। अच्छा, ग्लेशियर से पिघली हुई बर्फ से गोला गंडा बनाया गया है, बड़ा मजेदार है, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक मैंने बर्फ नहीं देखी थी, अच्छा बचपन का ड्रीम था कि मैं कभी बर्फ में जाऊं और बर्फ पड़ रही हो। हाँ, बर्फ पड़ तो नहीं रही लेकिन इतनी ज्यादा, कितनी ज्यादा मैं तो देखा था। हाँ, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है कि आई लव्ड इट, और ये गोला गंडा भी डिलीशियस। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 20 फुट ज़्यादा जो है ना बर्फ़ काटी गई है और इसमें ये रोड बना दिया गया है, तो डिफरेंट है, बेहतरीन है। ये कैलाम से तकरीबन कोई 18 किलोमीटर के फासिले पर है और यहाँ पर साल के 12 महीने तो नहीं लेकिन अगस्त तक बर्फ़ मौजूद रहती है। ये सूरत हाल है, पीछे से मैं ये आपको दिखा दूँ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फिर किसी जगह पर मुलाकात होगी। ये सिर्फ अप्रैल के महीने में मैंने इसलिए किया ताकि आपको ताज़ तरीन सूरत हाल से अपडेट कर दूं, और आप अगर स्वाद का प्लान करना चाहते हैं तो आप आए। अल्लाह हाफिज़।